नहीं, फिर भी लोग अपने धर्म को छोड़ देते हैं। बड़ी पीड़ा होती है हमें लोगों को अपने धर्म का पता नहीं। ईसाई बन रहे हैं लोग, अपना धर्म छोड़ रहे हैं, कोई मुस्लिम धर्म में जा रहा है। क्या हो गया है लोगों को? उन्हें ज्ञान की कमी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जगह जगह कथा करें, बार बार कथा करवाएं और लोगों को कथा में लाएं। कम से कम अपने धर्म के प्रति श्रद्धा तो जाग जाए। ध्यान से सुनना, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर क्या करूं जब वो लोग हमारे भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं तो मन में पीड़ा होती है, दर्द होता है। अरे जब उनका इशू जिसकी वो गल में क्रॉस डालते हैं खुद को नहीं बचा सका, सूली पर टांग दिया गया और मर गया। सच बताना, क्या आपको बचा सकता है? और इधर हमारी कथा सुनना, भागवत की कथा सुनना, भगवान यमराज से भिड़ गए। यमराज को आदेश दिया, मरा हुआ पुत्र वापिस कर। बोलो ताकत किस में है? अरे बोलो, ऐसा उदाहरण किसी भी धर्म में नहीं है कि मरे हुए को वापस किया हो किसी ने, शरीर भी जल गया हो और उसे वापस किया हो, ऐसा उदाहरण कहीं भी, अरे बोल दो, नहीं। फिर भी लोग धर्म बदल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर घर जाइए, अब समय बैठने का नहीं है। घर घर जाइए, कीर्तन रखिए, सत्संग रखिए, फिर कोई सुयोग्य कथा वाचक हो उनको बुलाएं जो आपको भगवान से जोड़ें और आपको ऐसी कथा सुनाएं कि आपका मन पक्का हो अपने धर्म के प्रति। ऐसे ऐसे काम करिए। तो अब भी कोई भगवान को भगवान ना माने, सच बताना किसकी गलती है? बताओ, हजारों लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा, अपने धर्म को जानिए, पहचानिए। भैया, हम तो अपने धर्म का प्रचार करने आए हैं और हमारा धर्म हाय सबसे प्रेम करना सिखाता है पर दबना नहीं सिखाता। ध्यान से सुनना, प्रेम करिए पर कोई सिर पर चढ़ जाए उसको अकल सिखानी भी आनी चाहिए। इतने मीठे भी मत बने कि लोग निगल जाएं, इतने भी कड़ुए मत बने कि थूक दें। ऐसे बन के रहिए कि ना अंदर ले जा सके ना छोड़ सके। ऐसे और ऐसा केवल सत्संग में बन सकते हैं और कहीं नहीं बन सकते। भगवान जी जब वापिस आए ना, जब वापिस आते हैं, आज देवकी माँ ने खाने के लिए मक्खन लिया। मक्खन को देखते ही माँ यशोदा याद आ गई। हाय माँ, ओ मैया, माँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन हो तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा। इतना प्यार किया है कि आज दिन तक लोग अपने बच्चे को कृष्ण कहते हैं, लल्ला कहते हैं। जब युद्ध लड़ने पर आए, एक भी युद्ध भगवान जी कभी हारे नहीं, ना एक भी युद्ध नहीं हारे।